एंगर था, नाराजगियां थी, और उस सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा सोच लेकर इन चुनावों में हिस्सा लेने का फैसला लिया। रोकने के लिए ही जो कांग्रेस पार्टी की ताकत है, खासकर कश्मीर प्रोविंस में, उसको हम बरोए कार लाएंगे और हम इसे जितना हो सके हम उनको माइलेज नहीं देंगे। और वो एक एक्सरसाइज अल्टीमेटली 4 फेज के थ्रू कंप्लीट हुई, जिसके रिजल्ट आ चुके हैं। चिनाब वैली के रिजल्ट आ चुके हैं, फिर पंचाल के रिजल्ट आ चुके हैं, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रियासी के रिजल्ट आ चुके हैं, और जम्मू कॉरपोरेशन के फाइनल रिजल्ट भी उनके कम्प्लीट। पर इसने आपस में तय किया है और वहां पर एक सर्कुलर कमेटी फ्रेम हो रही है। सारी शरीफ में कांग्रेस की फुल फ्लैश कमेटी वहां पर वजूद में आई है। बडगाम जो हमारे लिए एक पहला तजुर्बा था, वहां पर हमने प्रीवियस चुनावों में कभी अकाउंट भी नहीं खोला है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की कमेटी वजूद में आ रही है। चाडू डिस्ट्रिक्ट, सांबा और कठुआ, इन एरियाज में जम्मू डिस्ट्रिक्ट और रियासी में कुछ बीजेपी के कमेटियां बनी है, 4 या 5, जहां हमको क्लियर कट मेजॉरिटी मिली है। और उसके आगे सांबा में प्रॉक्सीज इंडिपेंडेंट जिनको कहते हैं वो, और कांग्रेस पार्टी और पैंथर्स, ये बढ़त के साथ आगे आए हैं, बीजेपी पीछे। इसी तरह से कठुआ जिला जो काफी सियासी हलचल का एपिसेंटर रहा है, बिलावर में कांग्रेस की, जहां पर निर्मल सिंह जी है वहां कांग्रेस की कमेटी फ्रेम होगी, क्योंकि 6 हमने लिए हैं, 2 इंडिपेंडेंट हैं, वो दोनों इंडिपेंडेंट सेकुलर सोच के हैं, डेफिनेटली उनकी आवाज आई है कि हम कांग्रेस के साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट सांबा और कठुआ, इन एरियाज में जम्मू डिस्ट्रिक्ट और रियासी में कुछ बीजेपी के कमेटियां बनी है, 4 या 5, जहां हमको क्लियर कट मेजॉरिटी मिली है। और उसके आगे सांबा में प्रॉक्सीज इंडिपेंडेंट जिनको कहते हैं वो, और कांग्रेस पार्टी और पैंथर्स, ये बढ़त के साथ आगे आए हैं, बीजेपी पीछे। इसी तरह से कठुआ जिला जो काफी सियासी हलचल का एपिसेंटर रहा है, बिलावर में कांग्रेस की, जहां पर निर्मल सिंह जी है वहां कांग्रेस की कमेटी फ्रेम होगी, क्योंकि 6 हमने लिए हैं, 2 इंडिपेंडेंट हैं, वो दोनों इंडिपेंडेंट सेकुलर सोच के हैं, डेफिनेटली उनकी आवाज आई है कि हम कांग्रेस के साथ हैं।